तो आज सोलो सिकोवा ने रोमन रेंग्स को भाई खुला चैलेंज दे दिया कि अगर तेरी चैंपियनशिप तेरे को वापस चाहिए है तो तू इसको लेने के लिए मेरे से मैच रेसल करने के लिए आ सकता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग मंदिर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों हमें स्मैकडाउन का एपिसोड देखने को मिलता है जो कि मनी इन द बैंक से पहले हमें गो होम शो देखने को मिला। काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर देखने को मिली और रोमन रेंग्स और सोलो सिकोवा की जो फ्यूड है वो दोस्तों आज स्मैकडाउन के शो से शुरू हो चुकी है पूरी तरीके से। तो चलिए दोस्तों आज के स्मैकडाउन का रिव्यू करते हैं और डेली ऐसी ही रेसलिंग की शॉर्ट लॉन्ग वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों शो की स्टार्टिंग हमें मेन इवेंट जे उसो के साथ देखने को मिलती है जहां पर उनकी एंट्रेंस हमेशा ही हमें कमाल की देखने को मिलती है। और जे उसो रिंग के अंदर आते हैं, जे उसो यहां पर बोलते हैं कि कनाडा मैं तुम्हारा थैंक यू बोलता हूं, तुमने मुझे आज यहां पर आने दिया। और वो उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि दोस्तों उनके साथ जो हेल्थ इश्यूज है वो चलते रहते हैं, ड्रग्स वाले आपको पता ही होगा। तो दोस्तों इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जे उसो बोलते हैं कि मनी इन द बैंक के अंदर जे उसो ही जीतने वाले हैं। इतने में दोस्तों एलन नाइट यहाँ पर आते हैं और ये दोस्तों काफी हॉटेस्ट मोमेंट था इस सेगमेंट का। यहाँ पर एलन नाइट ये बोल रहे हैं और जे उसो यहाँ पर हीट बोल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कार्मेलो हेज की एंट्री होती है, इसके बाद चैट गेबल की एंट्री होती है। चैट गेबल बताते हैं कि मेरे पीछे व्हाइट सिक्स पड़ गई है और तुम लोग मुझे यहाँ पर बू कर रहे हो। इसके बाद यहाँ पर अंड्राडे भी आते हैं और ठीक इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें ड्रू मैकइंटायर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ड्रू मैकइंटायर के लिए यहाँ पर जो फैंस है वो चैंट्स लगा रहे थे सीएम पंक के, लेकिन जो ड्रू मैकइंटायर वो बोलते हैं कि सीएम पंक शो के ऊपर नहीं है बल्कि सीएम पंक की जो फैमिली है वो मेरे साथ है, वो ब्रेसलेट को दिखाते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं रिंग के अंदर जाकर हर एक बंदे को वो ट्रोल करते हैं। और इसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा उन्होंने यहाँ पर ट्रोल किया जे उसो को, जहाँ पर वो बोलते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यूएसए के बॉर्डर को क्रॉस करने की। और इसके बाद दोस्तों पीछे से जो अंड्राडे हैं वो अटैक कर देते हैं जितने भी ये बंदे थे, छः के बीच में हमें ब्रोल देखने को मिलती है। और एंड में दोस्तों रिंग के अंदर हमें जे उसो और एलन नाइट स्टैंड टॉल करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ओपनिंग सेगमेंट हमें देखने को मिला जहाँ पर मेंस मनी इन द बैंक के लिए WWE ने हाइप क्रिएट कर दी कल होने वाले मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस प्रीटी डेडली के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और भाई जो मोंटेस फोर्ट की फ्रॉग स्प्लैश है वो दोस्तों हमेशा ही हमें काफी लाजवाब देखने को मिलती है। एंड में दोस्तों उन्होंने अपनी स्प्लैश के सहारे से इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली। इसके बाद दोस्तों कैंडिस लेरी एंड इंडी हार्टवेल वर्सेस बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल के बीच में टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है। सिंपली यहाँ पर जो जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर है वो इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेती है। और मैच खत्म होने के बाद उन्होंने प्रोमो भी कट किया जहां पर उन्होंने बताया कि वो फिर से अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को कैप्चर करने के लिए आ रही है। दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर कोडी रोड्स, रैंडी ओटन एंड केविन ओव्स देखने को मिलते हैं, जहां पर कोडी रोड्स सेगमेंट की स्टार्टिंग करते हैं। कोडी रोड्स बोलते हैं कि टोरंटो व्हाट वी वोना टॉक अबाउट, और इसके बाद वो ब्लडलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन रैंडी ओटन तभी उनको इंटरप्ट करते हैं। रैंडी ओटन बोलते हैं कि मनी इन द बैंक के अंदर जो मैच होने वाला है सिक्स मैन टैग टीम मैच, वहां पर दोस्तों मैं मैच को खत्म करने वाला हूं तीन मोस्ट डेंजर लेटर के साथ जो कि है आरकेओ। और इतने में दोस्तों केविन ओव्स यहां पर प्रोमो कट करते हैं। केविन ओव्स बोलते हैं कि 4 साल पहले से मेरे साथ जो ब्लड लाइन है वो देखने को मिल रही है, लेकिन 4 साल पहले की छोड़ो, आज हम बात करते हैं 4 दिन पहले की, जहाँ पर मेरे फादर का फ़ोन आता है और वो मुझे बोलते हैं कि मेरी मदर को मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। और मैं सीधा ही फ्लाइट में बैठा और मैं अपनी मोम को हॉस्पिटल के अंदर लेकर चला गया। आज मैं इस शो को मिस कर सकता था लेकिन मैंने अपनी मोम के लिए इस शो को मिस नहीं किया, क्योंकि जब मैंने WWE कंपनी को समझा था, जब मैं कंपनी के अंदर वापस आना चाहता था, तो उस टाइम पर सिर्फ मेरी मोम ने मुझे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित किया कि तुम बेटे हमेशा लड़ते रहो और WWE कंपनी के अंदर तुम एक मेजर स्टार बनोगे। और आज मैं शो के ऊपर अपनी मोम के लिए आया हूँ, अगर मैं शो को मिस करता तो मेरी मोम काफ़ी ज़्यादा दुखी होती। और कल जो मनी द बैंक के अंदर हमारा टैग टीम मैच होने वाला है, मैं ब्लड लाइन को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमें सेगमेंट देखने को मिलता है और हम होप करते हैं कि केविन ओव्स की जो मदर है वो स्टिल अभी हॉस्पिटल में है, ये चीज़ केविन ओव्स ने बताई है। और हम होप करते हैं कि केविन ओव्स की जो मदर है वो दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से रिकवर हो गए, फिर से अपने घर पर आ जाएं। दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर बेली एंड पाइपर नेविन के बीच में मैच देखने को मिलता है, जहां पर बेली की तरफ से नेओमी आई थी और पाइपर नेविन की तरफ से चेल्सी ग्रीन आई थी। तो सिंपली यहां पर दोस्तों मैच ये काफी अच्छा था, इस मैच के अंदर जो बेली है उन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली, लेकिन मैच खत्म होने के बाद नाया जैक्स ने बेली के ऊपर अटैक किया, लेकिन उनको सेव करने के लिए यहां पर मशीन आती है, जहां पर कैंडो स्टिक के सहारे से उन्होंने नाया जैक्स के ऊपर हमला किया। और एंड में दोस्तों मशीन एंड बेली यहां पर स्टैंड टॉल करती हैं। इसके बाद दोस्तों शो के ऊपर हमें WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर वर्सेस टोमासा चैंपा एंड जोनी गर्गानो के बीच में। और भाई साहब क्या जबरदस्त मैच हमें देखने को मिला इस मैच के अंदर। एक मोमेंट पर जो ऑस्टिन थ्योरी है उनके ऊपर ग्रेसन वॉलर अटैक कर देते हैं गलती से, और इस मैच के एंड में दोस्तों सबमिशन मूव के सहारे से यहां पर जो टोमासा चैंपा एंड जोनी गर्गानो है वो जीत जाते हैं।
यानी कि दोस्तों स्मैकडाउन के शो के ऊपर हमें नए जो हमारे WWE टैग टीम चैंपियनशिप वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि हैं ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉल, सॉरी जो कि है DIY यानी कि तोमासा चैंपा एंड जोनी गार्गानो। इसके बाद दोस्तों हमें सीधा ही सोलो सिकोवा का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर सोलो सिकोवा एक कुर्सी पर बैठे हैं, उनके हाथ में उला फाला माला है और वे बता रहे हैं कि इस माला से ही मैं ट्राइबल चीफ बना हूं और अब मैं कोडी रोड्स के लिए आ रहा हूं उसकी चैंपियनशिप को लेने के लिए। रोमन रिंग्स रेसलमेनिया के अंदर हार चुका है, उसका स्टेटस अब जा चुका है ट्राइबल चीफ का। अगर रोमन रिंग्स को उसकी चैंपियनशिप वापस चाहिए है तो वो मेरे से आकर लड़ सकता है और अब मैं कोडी रोड से चैंपियनशिप लेने वाला हूं और जो नया ट्राइबल चीफ है वो है सोलो सिकोवा। और इसके बाद सिंपली वो बोलते हैं एक्नॉलेज मी। तो दोस्तों काफी जबरदस्त ये सेगमेंट देखने को मिला, जिस तरीके से जेका फाटो उनको पीछे से माला पहना रहे हैं और पीछे वो खड़े हैं, तो ये वाली जो ब्लड लाइन है ये अब वाकई में काफी डेंजरस नजर आ रही है और आने वाले टाइम के अंदर काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमें इस स्टोरी के अंदर देखने को मिलेगी। ओवरऑल दोस्तों आज का जो स्मैकडाउन का शो था ये काफी अच्छा था, ठीक ठाक हमें शो देखने को मिला। जो मनी इन द बैंक के अंदर अब जो कल मनी इन द बैंक के अंदर मैचेस होने वाले हैं उसकी जो रिव्यू वीडियो है वो सुबह आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स के अंदर अपनी राय लिखिए और मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।